हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे फ्रेंड आप अपने जब भी अपने व्हाट्सएप में या अपने किसी पे चैटिंग करते हैं तो उसमें आपको देख सकते हैं इस तरह से आपको टाइपिंग आता है। तो फ्रेंड आप इसमें इस तरह से चेंज करना चाहते हैं अपने जीबोर्ड को और कीबोर्ड को, तो कैसे चेंज करेंगे हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में आपको लाइव दिखाएंगे चेंज करके। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड, हम अपने व्हाट्सएप नंबर को ओपन कर चुके हैं, किसी पर आप चैटिंग कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हम इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे हम अपने नीचे मैसेज लिखना चाहते हैं हिंदी में, तो फ्रेंड हिंदी में लिखने के बाद यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश में आ जाता है। और इंग्लिश में आने के बाद फ्रेंड यहाँ से देखते हैं लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन देता है, और फिर यहाँ से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखाता है, जो आपको हिंदी में अच्छे से नहीं लिखा पाता है। तो इसको आपको कीवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, दूसरा ले आना चाहते हैं तो आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपने मोबाइल के सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में फ्रेंड आने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करके जाएंगे नीचे, तो यहाँ से देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन है। एडिशनल सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करें, वहाँ लैंग्वेज एंड इनपुट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं मैनेज कीबोर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको जीबोर्ड इनेबल है, इंडिकेट इनेबल है, यहाँ से वॉइस टाइपिंग इनेबल कर लीजिएगा। बाय द वे, आपको नहीं लिखना चाहते हैं तो वॉइस पे बोल देंगे जो आसानी से लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से मैनेज पे आ जाएंगे, तो मैनेज पे आने के बाद यहाँ से जीबोर्ड पर एक्टिव है, तो आपको गूगल इंडिकेट कीबोर्ड के आपको ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड इसमें दो ऑप्शन देता है, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। और फ्रेंड आपको बता दें कि यहाँ से होम हो जाएंगे और फिर से अपने व्हाट्सएप में आएंगे, तो व्हाट्सएप में जैसे देख सकते हैं इस तरह से है, इस पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं जो इंग्लिश है नीचे इस पर प्रेस किए रहेंगे तो डायरेक्टली यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, आपकी सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। जो देख सकते हैं हमने नीचे वाले को सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हम हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में, दोनों तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।